ये जो बिजनेस सिस्टम डिज़ाइन है, ये जो आपको सेमियाँ नज़र आ रही हैं ना यहाँ पे, ये हर कारोबार की सेमियाँ मुख्तलिफ होती हैं। ये कोई स्टैंडर्ड नहीं, कोई दे दूँ मैं आपको कोई टेम्पलेट दे दूँ। आप में जितने लोग बैठे हैं, जितनी कंपनियाँ हैं, उनके वो वाले पोर्शन हैं ना, वो इसीलिए ब्लर्ड भी हैं ताकि मेरे वाले आपके ऊपर अप्लाई नहीं करते, आप वाले दूसरे पे अप्लाई नहीं करते, क्योंकि जो आप लोगों की सबकी जो सिचुएशन है वो मुख्तलिफ सिचुएशन होती हैं सारा टाइम। रिसोर्सेज भी मुख्तलिफ होती हैं, मेंटल मेकअप भी मुख्तलिफ होता है। तो देर आर मैनी मैनी थिंग्स जो कि आपकी ना वेरियस होती हैं, तो हर एक को अपने आप के मुताबिक ना उसको करना पड़ता है। तो अब ये सबसे पहली बात है कि आपकी वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है, है आपने क्या लेके जा रहे हैं, जैसे हम कहते हैं यूनिक सेलिंग प्रॉपर्टीज़ आपकी क्या है, आपका जो प्रोडक्ट है दूसरे से डिफरेंशिएट क्या हुआ है, आप क्या बेचने की कोशिश कर रहे हैं, आपका टारगेट कस्टमर कौन है। तो बिजनेस प्लान, आपका लीगल स्ट्रक्चर, लोकेशन, फंडिंग, मार्केट सेल्स, मार्केटिंग एंड सेल्स, आपकी टीम कैसी है, ऑपरेशंस कैसे हैं, आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो बाद की बात है, फाइनेंसेस आपके पास हैं जिसने दिए हुए हैं, किन टर्म्स के ऊपर आपको दिए हुए हैं, ये सारे वेरिएबल फैक्टर्स हैं जो कि हर आदमी के लिए मुख्तलिफ हैं। जो वेरिएबल मुख्तलिफ फैक्टर जो हैं, कंप्लायंस के फैक्टर्स हैं, हो सकता है आपका कोई प्रोडक्ट हो उसमें से कोई वायरलेस इमिशन हो रही है, वायरलेस इमिशन के मतलब उसका एक कोई अलहदा कंप्लायंस होगा, अगर उसमें से कोई और कोई टॉक्सिक गैस निकल रही है और कंप्लायंस। सो कंप्लायंस इज़ ए बिग सब्जेक्ट। ऐसे ही कस्टमर का एक्सपीरियंस है, फीडबैक है, टेक्नोलॉजी, रिस्क, नेटवर्किंग, मार्केट रिसर्च, ब्रांडिंग, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी आपकी क्या है, फिर बहुत इंपॉर्टेंट है क्वालिटी एश्योरेंस क्या है, इसके ऊपर सारे पे डिपेंड करते हैं। लेकिन वंस अगेन क्वालिटी हर एक की अपने उसके लिए होनी है। तो और फीडबैक कस्टमर से आप कैसे ले रहे हैं, एंड वर्स्ट थिंग इज़ कि अगर आपने किसी चीज़ को स्पेकिंग नहीं किया, तो जिस जो आप लोगों ने नहीं किया ना, वही ख़राब हो जाना है काम। एनी थिंग विच कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग, तो दैट इज़ मर्फीज लॉ। तो इसलिए आप अपनी इमेजिनेशन भी यूज़ करते हैं कि यार क्या हो सकता है, इसके अंदर कोई गैप तो नहीं रह गया। और अब उसको करने के लिए क्या है कि आपका जो प्रोसेस है, प्रोसेस क्या होना चाहिए आपका, डू यू नो योर प्रोसेस। और प्रोसेस में अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो मैन्युफैक्चरिंग का एक प्रोसेस है, हैं, लेकिन उसके साथ सब प्रोसेसेस बहुत से आ जाते हैं। तो आप फिर क्या करते हैं, देयर इज समथिंग नोन एज प्रोसेस कंट्रोल। प्रोसेस कंट्रोल आप लिस्ट आउट करते हैं कि मैंने यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करनी, यहाँ ख़त्म होना है, ये मेरा असेंबली फ्लोर है, तो आप उसके ऊपर वो करेंगे। या आपका कोई जो भी आपकी सर्विस है या आपका कोई भी प्रोडक्ट है, फिजिकल है, इट कैन बी इलेक्ट्रॉनिक, कोई भी चीज़ होगी, तो जब तक आप उसके प्रोसेस को फाइनली डिसाइड नहीं, डिवाइड नहीं करते, लिखते नहीं हैं, लिख के उसकी रिक्वायरमेंट, हर स्टेप की रिक्वायरमेंट्स नहीं लिख लेते, उस वक्त तक वो आप जो जिसे कहते हैं रिपीटेबिलिटी ऑफ रिजल्ट्स, कि हर दफ़ा वो चीज़ वैसी ही बने, ये एक चीज़ बनी है, ये कभी और तरह की बन जाए, इसका साइज़ और हो जाए, और हो जाए, और हो जाए, इसकी जो इसको बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी हर दफ़ा बनाने के लिए जो स्टेप्स लेने पड़ते हैं, दैट इज़ नोन एज प्रोसेस कंट्रोल। तो वो जो प्रोसेस कंट्रोल है वो फिर आपको लीड करता है और आपको उसके अंदर जैसे कहना कंटेन करके रखता है ताकि आपका फोकस उसी चीज़ पर रहे। जैसे मैंने शुरू में आपको वो हेनरी फोर्ड की वो असेंबली लाइन का दिखाया, तो वो हर स्टेप की रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर उस रिक्वायरमेंट में उस रिक्वायरमेंट की जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट है वो ठीक नहीं है, टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट ठीक नहीं है, या जिस टॉर्क के साथ उसने पेज को कसा है वो ठीक नहीं है, या टाइमली वो पेज वहाँ पर पहुँचा नहीं है, एक सुराख वैसे खाली आगे चला गया, तो ये सारी चीज़ें दे आर पार्ट ऑफ प्रोसेस कंट्रोल। आप जिस बिजनेस में भी आप हैं, तो उधर जब तक आप अपने प्रोसेस को लिख के प्रोसेस को फिर एग्जीक्यूट नहीं करते,
तो आपको हर दफ़ा वही वाले रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो फिर उसी की वजह से फिर आप उसकी एक रिक्वायरमेंट्स का एक एनालिसिस करते हैं, फिर उसके मुताबिक फिर आपने सिस्टम का आर्किटेक्चर, अगर आपने कोई फिज़िकली चीज़ बनानी है तो आपने उसकी लेआउट कैसे करनी है, प्लांट की लेआउट क्यों करनी है, उसके कोई रीजंस होंगे, डिस्टेंसेस ज़्यादा करने हैं, कम करने हैं, क्यों करने हैं। तो वो जो सिस्टम का आर्किटेक्चर है, इलेक्ट्रॉनिक्स के जो लोग हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से इनकी समझ होती है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सिस्टम है वो एक सारे सिस्टम का एक हिस्सा है, क्योंकि साथ ही उसकी मार्केटिंग भी करनी है, उसकी मैन मैनेजमेंट करनी है, बहुत सी और चीज़ें हैं, वो भी एक अलहदा सिस्टम है जो कि उसके अंदर मर्ज भी करना है आगे। तो जब आप प्रोसेस का डिज़ाइन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यू हैव टू डिफाइन कि आपकी प्रॉब्लम है क्या, उसके लिए आपने इन्फॉर्मेशन क्या कलेक्ट की है, फिर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग आपस में बैठ के करते हैं कि क्या उसको करना है, फिर सॉल्यूशन उसका क्या है, फिर उसका फीडबैक लेते हैं, इम्प्रूव करते हैं। तो एज वी गो लॉन्ग इन चीज़ों के ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे। तो सिमिलरली अगर आप डेटाबेस बना रहे हैं तो फिर डेटा का डिज़ाइन आपको करना पड़ता है, फिर यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन, ये ख़ास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स के लोगों के लिए बात है, लेकिन अगर मैं कोई चीज़ बेच भी रहा हूँ तो मेरा कस्टमर, मैंने एक पुर्जा बनाया, कस्टमर मेरा अमेरिका बैठा है, तो समवेयर आई हैव टू टॉक टू हिम, तो वो मेरा यूज़र इंटरफेस वो बनना है, है जी? तो इस तरीके से ये हर एक का ना इंटरफेस भी मुख्तलिफ है, जैसे मैंने शुरू में कहा ना कि हर बिज़नेस मुख्तलिफ है, और उस बिज़नेस में कुछ ना कुछ आपको उसके मुताबिक अपने आप को करना पड़ता है। तो ये सिर्फ है, जैसे आप इसको एक किस्म की चेकलिस्ट समझ लेंगे, दिस इज़ ए चेकलिस्ट। फिर आप जितनी मुख्तलिफ चीज़ों करते हैं आप उनको इंटेग्रेट भी करते हैं कि आपके मुख्तलिफ सिस्टम जो है, अगर आपने प्रोडक्शन की है तो वो मार्केट में कैसे जानी है, उसके साथ आपको इंटेग्रेट करना है। मार्केट में जानी है तो फिर जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर है उसने आगे क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटर की आपने ट्रेनिंग की नहीं की, यानी डिस्ट्रीब्यूटर के पास पॉइंट ऑफ सेल पे कोई एडवर्टाइजमेंट है या कोई जो भी आपने कस्टमर के साथ करना है उसका आगे इंटरफेस किया है। तो छोटी छोटी बेशुमार चीज़ें हैं जो कि अगर आपकी जो कोर काम है, अगर फ़र्ज़ करें आप कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ही बना रहे हैं या कोई चीज़ है, लेकिन एंड कस्टमर तक पहुंचने में बहुत सी चीज़ें हैं, और वो हर चीज़ जो है वो एक डिटेल मांगती है। उस डिटेल में जिस हद तक आप जाएंगे उस हद तक आप कामयाब रहेंगे, वरना फिर वो मर्फीज़ लॉ जो है वो इन एक्शन आ जाता है। फिर तो फिर वही टेक्नोलॉजी स्टैक है कि आपने किस चीज़ को किसके साथ मर्ज किया है। आजकल जो मॉडर्न सिस्टम्स आ गए हैं उसके अंदर आप इन्वेंट्रीज़ को मैच कर रहे हैं दूसरी चीज़ों के साथ, आपका सॉफ्टवेयर ऐसा आ गया है, कई जगह पे हार्डवेयर आ गया, कई जहाँ मैनुअली काम कर रहे थे अब वहाँ पे कुछ छोटी ऑटोमेशन, बड़ी ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, बहुत सी चीज़ें आगे आ गई हैं। सो वो भी सारी चीज़ें जो हैं, दैट इज़ योर टेक्नोलॉजी स्टैक। फिर सिक्योरिटी डिज़ाइन है, ख़ास तौर पर डेटा के सिलसिले में, लेकिन इन मैनी अदर वेज, है आपने किसी को एक स्किल इतनी बड़ी सिखा दी कि वो बंदा निकल के गया तो सब कुछ ही साथ ले गया। हाउ डू यू डिवाइड द स्किल सेट्स ताकि जो बंदा छोड़ के जाए वो सब कुछ ही साथ ना ले जाए, ये बिज़नेस की एक ख़ास एक रिक्वायरमेंट है। एंड जब आप एक ही आदमी को बहुत सी चीज़ें सिखा देते हैं तो अगर इफ़ यू आर ए बिज़नेस ओनर तो आपने अपने आप को एक्सपोज कर दिया टू अनदर हैज़र्ड, वो बंदा बाहर जाके या तो खुद करेगा या कंपेटिटर को ज्वाइन करेगा या आपके ले जाएगा। तो यानी कि डेटा की सिक्योरिटी वही वाली नहीं है जो कि हमें किताबों में सिखाई जाती है, उससे और भी कुछ चीज़ें हैं।